एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ इंडिया। सरकार ने करीब 59 चीनी ऐप्स को सुरक्षा के लिए खतरा बताकर बैन कर दिया है। भारत में करोड़ों डाउनलोड से चीनी कंपनियां मोटी कमाई करती हैं। आखिर फ्री ऐप से कंपनियां कमाई करती कैसे हैं? ज़्यादातर फ्री ऐप गूगल प्ले स्टोर या आईफोन के ऐप स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किए जा सकते हैं और सब्सक्राइबर को इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी होती है। असल में ऐप कई तरीके से पैसा कमाते हैं। इनमें एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन, रेफरल मार्केटिंग, इन ऐप परचेज, सब्सक्रिप्शन, स्पॉन्सरशिप, क्राउड फंडिंग, ई कॉमर्स, ये सब तरीके शामिल हैं। कुछ ऐप कमाई के लिए अपने कुछ यूनिक तरीके अपनाते हैं। जैसे टिकटॉक कहता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा सर्विस फीस से आता है, लेकिन ये सर्विस फीस क्या होता है इसका टिकटॉक ने कोई खुलासा नहीं किया है। कई सारे ऐप लोगों के ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। ऐप से लोग सामान ऑर्डर करते हैं, शहर में ट्रैवलिंग के दौरान रूट मैप देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, चैटिंग करते हैं या वीडियो बनाकर कमाई भी करते हैं। एक अनुमान के अनुसार गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर करीब 6 करोड़ से ज़्यादा ऐप मौजूद हैं। साल 2020 में इन सभी ऐप के क्रिएटर्स की कमाई $190 अरब तक पहुँचने का अनुमान है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले ज़्यादातर फ्री ऐप ही हैं। करीब 98% डाउनलोड फ्री ऐप के ही होते हैं। ज़्यादा कमाई गेम वाले ऐप की होती है। एक अनुमान के अनुसार गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 ऐप में से 8 गेम वाले ऐप हैं। इनमें कैंडी क्रश, सागा, क्लैश ऑफ क्लैंस जैसे गेम शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार 70% ऐप ऐसे विज्ञापन वाले ऐड देते हैं जिनको उनको प्रति डिस्प्ले या इम्प्रेशन यानी प्रति क्लिक के हिसाब से भुगतान मिलता है। ये ऐड कई तरीके से ऐप का इस्तेमाल करते समय आ सकते हैं, जैसे बैनर ऐड, 10 से 30 सेकंड के वीडियो ऐड, इंडस्ट्रियल ऐड जो अक्सर पॉपअप के रूप में आते हैं, नेटिव ऐड जो ऐप में नेचुरली इंटीग्रेटेड होते हैं, इंसेंटिव वाले ऐड जिसमें कई ऐड रिवॉर्ड देते हैं, यानी कस्टमर जब ये ऐड वाला वीडियो देखता है तो उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत से ऐप फ्री नहीं होते हैं और वे सब्सक्रिप्शन मॉडल के आधार पर कमाई करते हैं। इसमें ज़्यादातर प्रीमियम म्यूज़िक या वीडियो वाले ऐप होते हैं, जैसे गूगल म्यूज़िक, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ऐसे ऐप्स। कई न्यूज़ ऐप भी इस मॉडल पर काम करते हैं। इसमें सब्सक्राइबर से हर महीने एक निश्चित फीस ली जाती है। ईमेल मार्केटिंग से भी ऐप कमाई करते हैं। वे ग्राहकों का ईमेल और अन्य डेटा दूसरी कंपनियों को देते हैं और फिर उन ग्राहकों को ईमेल के द्वारा कई तरह के उत्पादों, कंपनियों के बारे में जानकारी वाले मार्केटिंग ईमेल भेजे जाते हैं। रेफरल मार्केटिंग से भी कमाई की जाती है। इसके तहत किसी कंपनी या प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। कंपनी के बारे में जानकारी ऐप में किसी जगह दी रहती है और जब सब्सक्राइबर वहां पर क्लिक करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। इस क्लिक के आधार पर ऐप की कमाई होती है। और तरीके जो हैं वो उनमें इन ऐप परचेज और ई कॉमर्स के जरिए भी कमाई की जाती है। भारत में जियो व्हाट्सएप की तरफ से इस तरह की सुविधा शुरू करने वाली है। इसमें आप किसी भी ऐप से शॉपिंग कर सकते हैं। इसे प्रीमियम ऐप मॉडल भी कहते हैं। इसमें किसी ऐप पर सीधे ई कॉमर्स या किसी कंपनी का लिंक होता है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें ऐप की मालिक कंपनी को कमीशन मिलता है। तो इस तरह से चीन के कई सारे ऐप से काफ़ी मोटी कमाई होती है। खासकर टिकटॉक के जरिए एक बेहद ही मोटी कमाई का जरिया चीन को जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।